हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व करते थे, और लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशंस में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है, बच्चों आपको ये चैप्टर पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन चाहिए या किसी भी चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन चाहिए, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स पढ़नी हो, केमिस्ट्री पढ़नी, कुछ भी पढ़ना हो, जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में। बच्चों एक कमेंट पिन किया हुआ है, रीड मोर पे क्लिक करिए, ठीक है। कोई चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर के सामने उसका लिंक दिया है, क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही पढ़नी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर क्लिक करिए, वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। जो चैप्टर पढ़ना हो बच्चों, सबका नीचे लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया है, और पुराने बच्चों को तो पता ही है कि आज से हमको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहां पर कल क्वेश्चन क्या बोला गया था, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन बोला गया था कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, याद है आपको, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करना था। अब देखो बच्चों, यहां पर दिया द पॉइंट 0.5, 0.-9 एंड 3.6 आर कोलिनियर, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं? तो सुनो बच्चों, इसके ना तीन तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, देखिए फर्स्ट मेथड ये है कि आप क्लास 9th में चले जाइए फटाफट और याद करिए स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमें क्या पढ़ाया गया था कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाए करता है तो उसका कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, कुछ होता है, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो, ठीक। कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाए करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई कुछ ना कुछ हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा ये पॉइंट, और अगर वाई नेगेटिव होगा तो वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा ये पॉइंट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब ध्यान दें, और हमें क्या पढ़ाया गया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट आते हैं उनके साइन प्लस प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस 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 माइनस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ये हमें पता है, सही है। अब आइए इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं बच्चों। देखिए 0.5 और 0.-9, ये दोनों पॉइंट्स को गौर से देखिए, इनके एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, क्या है इनके एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, तो ये कहां लाई कर रहे होंगे, वाई एक्सिस पे, तो ये दोनों पॉइंट तो आ गए आपके वाई एक्सिस पे, ओके। चलो तो देखिए 0.5 यहां कहीं आएगा, 0.5 यहां कहीं आएगा, ठीक, मैं गेस करके बना रहा हूँ, 0.-9 यहाँ कहीं, थोड़ा सा और दूर आएगा यहाँ कहीं, 0.-9 यहाँ कहीं आएगा, ठीक। अभी तक तो बच्चों ठीक है, अभी तक तो दोनों पॉइंट एक ही लाइन यानी कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर तीसरा पॉइंट भी वाई एक्सिस पे लाई कर जाए तभी तीनों कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ध्यान से चेक करिए बच्चों, जो थर्ड पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है नहीं, और अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है तो वो वाई एक्सिस पे नहीं, कहीं बाहर लाई करेगा। अब चेक करो स्टूडेंट्स, ये 3.6 है, 3 का भी साइन पॉजिटिव है और 6 का भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस कहाँ आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, यहाँ कहीं आएगा 3.6 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से चेक करिए, ये तीनों पॉइंट्स तो कोलिनियर हुए नहीं, इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा, सही है ना, तो कोलिनियर ये तीनों पॉइंट नहीं हुए। तो पहला आंसर आप इसी तरीके से कर सकते हो, रीजन क्या दोगे, सिंस द टू पॉइंट्स लाई ऑन द वाई एक्सिस, दो पॉइंट तो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, एंड जो थर्ड पॉइंट है, एंड वन पॉइंट मतलब ये जो तीसरा पॉइंट है, वन पॉइंट लाई इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करता है, इसलिए कभी भी ये तीनों कोलिनियर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, बात समझ में आई। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड ये है कि ये वाला हो गया पॉइंट ए और ये हो गया आपका पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट सी, क्या करोगे आप, ए बी निकाल लो, BC निकाल लो, अगर AB प्लस BC किसके इक्वल आ जाए, AC के, तो कोलिनियर होंगे, ठीक। ये सेकंड मेथड है, फटाफट निकाल लेते हैं बच्चों। चलिए AB क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस 9 और माइनस 5 माइनस 14 और माइनस 14 का स्क्वायर बच्चों, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 14 के स्क्वायर का प्लस 14 स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, 14 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो 14 आ जाएगा, तो ये भी आ गया आपका 14 यूनिट्स। उसके बाद आप निकालिए फटाफट BC, तो BC अगर हम निकालें तो BC हो जाएगा आपका क्या, ध्यान से करिए x1 y1 x2 y2, ओके, तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6, और ध्यान दें ये y2 है और ये y1 है, तो y2 माइनस y1 ये खुद ही नेगेटिव है इसलिए 6 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9 और प्लस 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 प्लस 9 15, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है 225, ऐड कर दीजिए बच्चों दोनों को, तो 225 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 5 14 और 1 आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3,234 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप फटाफट क्या निकाल लीजिए, AC, ठीक है। अब इसको और नहीं सॉल्व कर रहे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ देखो A और C पे फोकस करो, x1
वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर यानी कि थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन, और प्लस सिक्स माइनस फाइव क्या होता है वन, वन का स्क्वायर वन, तो रूट टेन आ गया। बच्चों ध्यान से चेक करिए क्लियरली क्लियरली, आ रहा है? Yes. चलिए अब देखिए बच्चों क्लियरली यहां पर ए बी प्लस बी सी अगर हम करें ये रूट 34 बच्चों क्या होगा अप्रोक्स में, अप्रोक्स में सोचो लगभग ये कितना होगा, ये होगा 10 से तो पक्का ज्यादा होगा है ना, 10 से तो ज्यादा, 15 से भी ज्यादा होगा है ना, 15 पॉइंट ये समथिंग होगा ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग आपको बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा गेस अगर हम कर लें लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना हो तो ये अप्रॉक्स में 15.29 होगा। अब ध्यान से चेक करो बच्चों ये दोनों अगर हम ऐड करें क्लियरली ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, ध्यान चेक करो ये देखिए ये ए और ये बी और ये हो गया सी, तो ए बी प्लस बी सी क्लियरली ए बी को अगर बी सी में ऐड करें इट इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट ए सी। बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 10 कितना आएगा लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा ठीक है। तो यहां पर देखिए ए बी और प्लस बी सी अगर हम करें ए बी खुद ही 14 है और बी सी कितना है 15, 14 प्लस 15 29 तो ऐसा ही हो गया, इट इज नॉट इक्वल टू रूट 10 मतलब 3 पॉइंट समथिंग इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है ये तीनों आपके एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कोलिनियर नहीं है। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ थोड़ा सा नेट स्लो है क्या शायद, आ रही है? चलिए देखिए अब थर्ड मेथड क्या, हाँ बताइए आवाज आ रही है ठीक है। चलिए अब जो थर्ड मेथड है वो क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड मेथड में आप क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों कुछ ना कुछ आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा, मतलब एरिया नॉट इक्वल टू जीरो अगर आएगा तो इसका मतलब ट्राइंगल बन रहा है, और अगर ट्राइंगल बन रहा है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो इसका थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है आपका सभी बच्चे खुद से भी निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से। ओके तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, सपोज द पॉइंट्स आर ए बी सी, तो ए बी सी फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इन द ब्रैकेट एक्स वन ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री और प्लस एक्स टू इन द ब्रैकेट वाई थ्री माइनस वाई वन और प्लस एक्स थ्री इन द ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू, सही है? तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इन द ब्रैकेट एक्स वन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, ओके एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और ये हो गया आपका क्या एक्स थ्री वाई थ्री। सॉल्व करते हैं एक्स वन कितना है जीरो, तो देखो बच्चों एक्स वन अगर जीरो जीरो इंटू समथिंग यहाँ पर कुछ भी आ जाए जीरो ही हो जाएगा, और प्लस एक्स टू कितना है आपका एक्स टू भी जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग यहाँ भी जीरो आ जाएगा, और प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना है एक्स थ्री आपका थ्री इन द ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन कितना है स्टूडेंट्स वाई वन है आपका फाइव और माइनस वाई टू, वाई टू कितना है आपका माइनस नाइन, ध्यान दें स्टूडेंट्स y1 माइनस y2, y1 क्या है 5 है और y2 खुद ही नेगेटिव है, तो जब यहाँ y1 माइनस y2, y2 माइनस नहीं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा ठीक। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट 0 प्लस 0 0 इसका कोई मतलब नहीं है, 5 प्लस 9 कितना होता है कितना होगा ये 5 प्लस 9 14, ओके और 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42, ओके कोई डाउट है बताइए। हाँ अब ये टू वन जा टू टू जा और वी वन, तो 21 स्क्वायर यूनिट्स, 21 स्क्वायर यूनिट्स, ओके कोई डाउट है बताइए। हाँ तो 21 स्क्वायर यूनिट्स विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब ट्राइंगल का एरिया जीरो नहीं, मतलब ट्राइंगल बन रहा है, और अगर ट्राइंगल बन रहा है तो ये जो तीन पॉइंट दिए बच्चों ये वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल होंगे ठीक है, और ट्राइंगल बनेगा तो ये अगर ट्राइंगल बनेगा तीन पॉइंट्स अगर ट्राइंगल बन रहा है तो वो कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकते, हैंस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके कर लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4th इज सिमिलर टू सैंपल प्रॉब्लम 3, सैंपल प्रॉब्लम 3 ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में सैंपल प्रॉब्लम 3 मिल जाएगा ठीक है ना, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखा हो जिन्होंने देखा उनको तो क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि द पॉइंट 0.2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब समझो बच्चों जरा क्या कहानी चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए पहले तो मैं आपको इसको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जब भी आपको ये पूछता है कि कोई पॉइंट इंटरसेक्शन है किसका किसका y एक्सिस का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द व्हाट लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन पॉइंट का, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, ये ए पॉइंट होता है ये बी पॉइंट होता है ठीक है, तो इनसे जो बनने वाला क्या है
लाइन सेगमेंट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और वाई एक्सिस क्या इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा वो पूछता है। तो यहां हमको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को पी अज्यूम कर लेते हैं और पी ए इज इक्वल्स टू पी बी चेक करते हैं बस, ठीक है। अगर पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है तब तो ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन है किसका, वाई एक्सिस का और द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। और अगर पी ए इज इक्वल्स टू पी बी नहीं आता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो देखिए जरा फटाफट इसको हम विजुलाइज आपको करा देते हैं बच्चों। ये 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3, -4 -1, -2, -3, -4 चलिए -1, 1 बच्चों -1, -1 यहाँ आएगा तो ये पॉइंट हो गया आपका ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1, 1 सही है। और बी पॉइंट कहाँ है 3, 3 तो 1, 2, 3 एक्स एक्सेस में और 3 वाई एक्सेस में, तो ये वाला पॉइंट क्या आपका बी है, तो 3, 3 ये पॉइंट आपका क्या है पॉइंट बी है, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं तो इनको अगर हमने ज्वाइन कर दिया और इसका अब देखो बच्चों यहीं से आपको पता चल रहा होगा इसका अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो ध्यान से करो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये यहां से निकल जाएगा, ये यहां से निकलेगा और ये वाला जो पॉइंट है ये ए बी पे तो लाई कर रहा है, ठीक है, बट ये वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। सैंपल प्रॉब्लम 3 में जब हमने किया था ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई करता था शायद और वाई एक्सिस पे भी लाई करता था, ओके। तो बहरहाल अब यहाँ पर क्या करना है, हमको पॉइंट पी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ओके एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करिए। पॉइंट पी क्या है 0, 2 अभी समझ में आएगा, ये 1 है और ये 2, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट पी है बच्चों ध्यान चेक करिएगा, ये वाला जो पॉइंट पी है थोड़ा मैं क्लियर नहीं कर पाया बच्चों, सॉरी उसके लिए। एक बार देखिए जरा 0, 2 यहाँ पे आएगा जब डायग्राम बनाऊंगा तो क्लियर होगा। तो ये वाले पॉइंट को देखो बच्चों 0, 2 को, ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0, 2। जिन्होंने सैम्पल प्रॉब्लम 3 देखी होगी फटाफट कर लेंगे, मुझे भी थोड़ी जल्दी करानी है एक्सरसाइज। तो देखो 0, 2 है ये पॉइंट, सही है। अभी बात बताओ बच्चों, अभी तो मैंने आपको बनाया था, ध्यान से करिए बच्चों, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ब्लू मार्कर से मैंने बनाया था, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जा रहा होगा, ये देखो ये ऐसे जा रहा होगा, सही है। अब ये जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो ब्लू लाइन से मैंने दिखाया है बच्चों, इस लाइन पे बताओ ये पॉइंट आता ही नहीं है कभी, ध्यान से करो, ये तो वाई एक्सेस को यहाँ पे मीट कर रहा है ना कि यहाँ पे। तो ये पॉइंट पी है ये वाई एक्सेस पे तो है क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये वाई एक्सेस पे तो है बट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये नहीं है। सर कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये तो हमने आपको विजुलाइज कराया, आप ऐसे प्रूफ करोगे बच्चों बहुत ध्यान से इसी फिगर में देखिए, इसी में लगभग दिख जा रहा है, ये जो पॉइंट पी है पी को ए से ज्वाइन किया और पी को बी से, तो ये वाला पॉइंट पी है बच्चों, मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ ये पॉइंट पी, तो आप पी ए निकाल लो पी बी निकाल लो, अगर इक्वल आ जाएगा तो स्टेटमेंट ट्रू है नहीं तो फॉल्स। डायग्राम से ही दिख रहा है कि स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, जो पॉइंट पी है वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई ही नहीं करता है ना। तो बात समझिए जरा, बात समझिए, पॉइंट पी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई ही नहीं करता है, ध्यान से चेक करो बच्चों, वाई एक्सिस पे तो लाई करता है बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई नहीं करता है इस टाइम वो, ओके। अगर ये पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता मतलब एल पे, तो पी ए इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था पी बी, क्योंकि हमको पता है क्या कि कोई लाइन सेगमेंट है अगर तो उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट आते हैं वो सभी पॉइंट्स ए से और बी से बराबर दूरी पे होते हैं, ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम 3 प्लीज आप लोग देखिए बच्चों, प्लीज आप सैंपल प्रॉब्लम 3 देखिए, मैं ज्यादा क्लियर नहीं कर रहा हूं बिकॉज सैंपल प्रॉब्लम 3 में बड़ा मजेदार चीज था, ठीक है। वहां पर क्या था कि जो पॉइंट पी वाई एक्सिस पे तो आता ही जाता था और साथ में इस्तफाक से पी एज इक्वल्स टू पी बी भी आ जाता था, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहां से निकलता था पी से, ये ऐसे निकलता था ए बी का, वो आप देखिए प्लीज देखिए तब क्लियर होगा। यहां तो मैं बस आपको तरीका बता रहा हूं बच्चों, पी ए पहले फाइंड कर लीजिए, पी ए कितना है पी और ए, पी के कोऑर्डिनेट क्या है बोलिए 0, 2 और ए के क्या है -1, 1 तो 0, 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका x1, y1 और ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2, y2, तो लगाइए फॉर्मूला x2 - x1, x2 कितना है -1, x1 कितना है 0, ठीक। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए -1 - 0 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 1 और -y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका क्या देखिए 1 - 1 - 0 -1 होता है -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 - 1 0 0 का स्क्वायर 0, तो 1 + 0 क्या होता है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है बच्चों, हाँ ये गड़बड़ हुई, देखिए बच्चों y2 - y1 कितना है 1 और y1 कितना है 2, तो 1 - 2 का स्क्वायर होना चाहिए था, 1 - 2 - 1 होता है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक। 1 + 1 - 2 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स, पी ए कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स, तो ये जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स है पी ए,
अब पी वी निकाल लेते हैं। तो जब आप पी वी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन और बी के हो जाएंगे इस टाइम एक्स टू वाई टू। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू कितना है 3, एक्स वन कितना है 0, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है 3 और माइनस वाई वन कितना है आपका, वाई वन है आपका 2। ओके, ये तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 प्लस 1 कितना हो गया रूट 10। और आपको पता है क्या कि रूट 2 इज नॉट इक्वल्स टू रूट 10, इसका मतलब व्हाट, पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी बी, और पी ए पी बी के इक्वल है नहीं, तो पॉइंट पी इसके वाई एक्सेस पे तो है, इस बात समझो, पॉइंट वाई एक्सेस पे तो है क्योंकि पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0, तो पॉइंट पी वाई एक्सेस पे तो है लेकिन पॉइंट पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ही नहीं, ठीक है, बात समझाएगी नहीं। तो इसका मतलब कि अगर ये पॉइंट पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये जो वाई एक्सेस है ये इस पॉइंट पे मीट ही नहीं करते, बात समझाएगी नहीं है, क्योंकि पी ए पी बी के इक्वल नहीं आया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, और रीजन हम ऐसे लिखेंगे, पी वी पी एज टू रूट 2 यूनिट्स, पी वी इज टू रूट 10 यूनिट्स, दैट इज पी एज नॉट इक्वल्स टू पी बी, ये इसका रीजन है। ओके, कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखिए कह रहा है कि द पॉइंट्स ए बी सी कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। सुनो बच्चों, देखिए सीधी सी बात है, अगर ये तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल होंगे, मान लो केस वन, अगर ये वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल होंगे, टिक लगा दिया, मतलब मैंने, अगर ये टिक लगाने का मतलब आप समझ जाओ कि अगर ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल होंगे बच्चों तो ट्राइंगल फॉर्म होगा, ट्राइंगल फॉर्म होगा कि नहीं बताइए, ट्राइंगल फॉर्म होगा, और अगर ट्राइंगल फॉर्म होगा तो कुछ ना कुछ एरिया आएगा, सही है। तो अगर बच्चों एरिया जो है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो आया, मतलब जीरो नहीं आया, कोई नंबर आ गया, स्क्वायर यूनिट 4 आ गया, 5 आ गया, 5.2 आ गया, कुछ भी आ गया, तो इस केस में बच्चों, इस केस में अगर इफ एरिया इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इफ एरिया इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, और बच्चों अगर हमारा, मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल ए बी सी, मान लीजिए 0 आ गया, ठीक, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ए बी सी कोलिनियर है ना, एक स्ट्रेट लाइन में लाई, कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, और अगर ए बी सी स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, बात समझाएं कि नहीं। तो हम क्या निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर दूसरा मेथड बताओ, ठीक है, तो दूसरा मेथड है ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल, देखिएगा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पहले चेक करते हैं, पहले फर्स्ट मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो हमने निकाला यहाँ स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, चलिए चेक करते हैं, अभी हमें आंसर नहीं पता, देखते हैं क्या, 1/2 ये x1 y1 और ये हो गया आपका क्या x2 y2 और ये हो गया आपका क्या x3 y3 और ये हो गया, बस ठीक है। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या होता है, x1 इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3 और प्लस x2 इन द ब्रैकेट y3 माइनस y1 और प्लस x3 इन द ब्रैकेट y1 माइनस y2, सही है। तो ये हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट x1 कितना है, x1 3 है, इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 कितना है माइनस 2 और माइनस y3, y3 कितना है 2 है और प्लस x2, x2 कितना है 12 इन द ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 1 प्लस x3 कितना है, x3 आपका 0। अब सुनो बच्चों, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा भाई, अंदर y1 माइनस y2 कुछ भी हो आ जाएगा 0, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। तो 1/2 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 होता है भाई, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 और प्लस, अब ध्यान दें 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और 12 इंटू 1 12, तो माइनस 12 प्लस 12 और प्लस 0, ये कैंसिल हो जाएगा। और चेक करो क्या आ गया, 1/2 और माइनस 12 प्लस 12 0, 0 प्लस 0 0 और 1/2 इंटू 0 0 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इन्होंने क्या पूछा था, पॉइंट्स कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो सुनो बड़ा घुमा के पूछा, कह रहा कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये तो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल होंगे, क्यों, क्योंकि एक सेकेंड जरा एक मिनट चेक करते हैं, कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल मतलब ओके, यहां पर एरिया कितना है 0, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, अगर एरिया 0 आया बच्चों तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, दिख रहा है
सुनो, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, उन्होंने फिर से सुनो, उन्होंने क्या बोला? कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ सही तो बोल रहे हैं, ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल ही नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? जीरो। तो ध्यान से करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस व्हाट, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ट्रू ट्रू। रीजन क्या है? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनता है। हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड कैन नॉट फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एंड कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल। ओके, सिंपल है, कोई डाउट है बताइए। अब सेकेंड मैथड, तो सॉरी, तो स्टूडेंट सेकेंड मैथड में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है? इसी क्वेश्चन को करने का सेकेंड मैथड है। सेकेंड मैथड में आपने क्या किया, पहले आप ए बी निकालिए, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, ठीक, इसको भी हटा दें। ए बी, ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर, हाँ भाई, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि 12 और माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी कि माइनस टू और माइनस वन का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस थ्री कितना होता है बच्चों, नाइन का स्क्वायर 81 और माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, माइनस थ्री का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा 90, सही है ना? तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 90। स्क्वायर रूट ऑफ 90 को बच्चों सॉल्व करिए, थोड़ा सा कैसे करेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10 है ना, 9 × 10, तो ये हो जाएगा 9 × 10। अब 9 का स्क्वायर रूट तो हमको पता है 3, तो ये 3√10 यूनिट्स आ गया। कितना आ गया ए बी, कितना आ गया 3√10 यूनिट। अब हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे बच्चों बी सी, तो बी सी इज इक्वल्स टू, बी सी के लिए ध्यान दें आपके पास बच्चों बी और सी पे फोकस करना है, तो ये बी हो गया आपका एक्स वन वाई वन और सी हो गया आपका क्या एक्स टू वाई टू, सही है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर यानी कि 0 और माइनस 12 का स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी कि 2 माइनस और वाई वन खुद ही नेगेटिव है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 12 बच्चों, माइनस 12 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 144 कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 160, ठीक। तो 160 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 20 और 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5, ठीक है, तो 4 × 5। अब यहाँ से कुछ बात बनेगी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 को 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 4, ये हमने ऐसे कर लिया, सही है। अब देखो 4 का क्या होता है 16, तो स्क्वायर रूट तो आप लोग निकाल लोगे, ये आ गया ऐसे, ठीक, चेक करो 16 × 5 80 × 2 कितना हो जाएगा 160। अब 16 का स्क्वायर रूट हम लोग को याद है और अंदर क्या बच जाएगा 2 × 5, रूट के अंदर क्या बच जाएगा 2 × 5 10 यानी कि √10, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और √10 यूनिट्स, सही है। अब हम निकालेंगे क्या, AC निकाल लेते हैं, ठीक है, तो AC कहीं पे निकाल लेते हैं, कहाँ निकाल लें, यहाँ निकाल लेते हैं, ओके। तो चलिए आपको फोकस करना है आप किस पे, A और C पे, तो AC निकालते हैं, तो AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ध्यान दें स्टूडेंट्स, पॉइंट A x1 y1 ओके, और ये पॉइंट C, A और C पे फोकस करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या 0 माइनस 3 क्या होगा माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 √10, ओके ऐसा आ गया, ओके। अब ध्यान दें यहाँ पर बच्चों, क्या ए बी प्लस बी सी करने पर ए सी आ रहा है, कुछ गलती हुई है क्या? ओके बच्चों एक चीज़ देखिए जरा, क्या ये पॉइंट्स ऑर्डर में दिए हुए थे? नहीं, ये पॉइंट्स ऑर्डर में तो दिए नहीं हुए थे ना, एसी सही निकाला ना, ध्यान से चेक करो, देखो x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 का होल ओके और y2 माइनस y1 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से जरा चेक करें, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उन्होंने कहीं क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोला था टेकन इन ऑर्डर, बोलो बोला था क्या, टेकन इन ऑर्डर बोलो बोला था क्या, नहीं बोला था, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अगर टेकन इन ऑर्डर बोलता, अगर टेकन इन ऑर्डर बोलता तो मतलब ए आएगा और फिर बी आएगा और फिर सी आएगा, ये देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला मेथड ना बिल्कुल बेस्ट है, पर फिर भी देखिए जरा,
अब हमने क्या सोच के रखा था बच्चों कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाए ए सी, बट सिचुएशन ऐसी हुई नहीं भाई। ये पॉइंट आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, सोचो अगर ये ऐसा हो जाए, ध्यान से करो, ए इधर आ जाए और सी अगर इधर आ जाए और बी अगर इधर आ जाए और स्ट्रेट लाइन में हो, तब भी तो कोलिनियर कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे, बताइए कोलिनियर कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे, तब भी कहे जाएंगे। तो ध्यान से चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, ए सी कितना है रूट टेन, ए सी और प्लस बी सी, ए सी और प्लस बी सी, ध्यान से चेक करो बच्चों, ए सी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ए सी और प्लस बी सी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है ए बी, क्या ऐसा आ रहा है, ध्यान से चेक करो क्या ऐसा आ रहा है, क्या ऐसा आ रहा है, ए सी कितना है, ए सी आपका रूट टेन है, तो रूट टेन और प्लस बी सी कितना है बच्चों, बी सी फोर रूट टेन है ना, तो ए बी कितना है, ए बी कितना आ रहा है आपका, ए बी आ रहा है आपका कहाँ गया, ए बी आ रहा है आपका थ्री रूट टेन, ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट्स, नॉट इक्वल्स टू, ऐसा भी नहीं है, तो ये केस भी नहीं है, ये केस क्यों नहीं, क्योंकि ए बी कितना आ रहा है आपका, ए बी आपका कितना थ्री रूट टेन, ठीक है, और बी सी आपका कितना है फोर रूट टेन, और ए सी कितना है रूट टेन, ये भी इक्वल नहीं, क्यों, क्योंकि थ्री रूट टेन और फोर रूट टेन ऐड करोगे सेवन रूट टेन आ जाएगा, ये भी केस नहीं, ये भी केस नहीं, क्योंकि यहाँ फोर रूट टेन है और यहाँ टेन रूट टेन के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब वन फोर प्लस वन फाइव रूट टेन, फाइव रूट टेन थ्री रूट टेन के इक्वल, तो ये दोनों केस नहीं होते। अब क्या हो सकता है बच्चों, अब मैंने क्या सोचा, ए को बीच में रख दिया, ठीक है, सोचा मैंने कि ए को चलो बीच में रख देता हूँ, और यहाँ कहीं क्या आ गया मेरे पास सी, और यहाँ कहीं बी, अभी भी तो कोलिनियर है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए बोलिए, ए सी, देखिए ए सी मतलब सी ए बोलो, ए सी बोलो, बात कैसे, सी ए का लेंथ और प्लस ए बी का डिस्टेंस या लेंथ, आप कुछ भी बोलो, अगर किसके इक्वल आ जाए बच्चों बी सी बी, सी बी मतलब बी सी, ठीक है, तो बात बन जाएगी। चेक करो सी ए कितना है बच्चों, सी ए का मतलब ए सी रूट टेन, ओके, और प्लस ए बी कितना है, ए बी ध्यान से चेक करिए कितना है, ए बी है आपका बच्चों थ्री रूट टेन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, क्या सी बी के इक्वल आ रहा है, यस आ गया, चेक करो थ्री रूट टेन और प्लस, वीडियो आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, हाँ देखिए जरा, रूट टेन प्लस थ्री रूट टेन, थ्री प्लस वन, भाई रूट टेन के आगे कुछ नहीं तो वन, थ्री प्लस वन फोर, फोर रूट टेन आ गया, और यही तो किया था, चेक करो बी सी कितना आया था फोर रूट टेन, इसका मतलब सी ए प्लस ए बी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी ए को ए सी और प्लस ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सी बी को आप बी सी भी लिख सकते हो, तो ए सी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, बी सी आ गया, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना, इसलिए तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, कोलिनियर तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो दीज थ्री पॉइंट्स कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, बात समझ में, लेकिन ट्रायंगल लगा के उन्होंने क्वेश्चन करा था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना बड़ा इजीली हो जाएगा, फिर भी मैंने आपको ये तरीका बताया, ठीक है ना, कोई डाउट है कि नहीं, यही रीजन है वो एक्स और वाई वाले जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आते थे तो वो गेस नहीं हो पाता था कि कैसे करें डिस्टेंस फॉर्मूला से, बच्चे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि जहां एक्स और वाई में रिलेशन निकालना होता है और आपको बोला जाता है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू जीरो करके क्यों करते हो सर, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से क्यों नहीं करते हो, क्योंकि वो जो आपको दिया रहता ना, यहाँ पे पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपको एक्स कॉमा वाई दे देता था, कहता था दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो भाई मुझे क्या पता कि ये सी कहाँ आ रहा है, ए बीच में आ रहा है कि एंड पॉइंट्स पे आ रहा है, ए बी एंड पॉइंट पे आ रहा है कि बीच में आ रहा है, इसीलिए तो वहाँ से सॉल्व नहीं होता है, बस समझ में ही कि नहीं, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं पता होती हमें, ओके, तो इस तरीके से करेंगे, ये इसका सेकंड मेथड है, तो कोलिनियर तो ये हो गए, सिचुएशन ऐसी है, फिर भी जिनको भरोसा नहीं है आप एक काम कर सकते हो, आप अपना ग्राफ पेपर लो, 3.1 12.-2 और 0.2 को प्लॉट करो, प्लॉट करना आता है, स्केल से मिलाओगे स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है, चलो कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि द पॉइंट्स ए बी सी डी, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं बच्चों, ऐसा हमने आपको सैम्पल प्रॉब्लम में शायद क्वेश्चन कराया है, बहुत डिटेल में कराया है, अगर आपने किया होगा तो आपको पता चल जाएगा, ए बी सी डी बच्चों देखिए, ये आपको जो चार पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4.3, और ऑर्डर में लेना है, जिस ऑर्डर में दिया तो मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, ए बी सी डी, बी क्या है 6.4 और सी क्या है 5.-6 और डी क्या है आपका 3.5, ओके, तो ध्यान चेक करिए बच्चों, ये वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम तभी बनाएंगे जब डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये रहा डायगनल ए सी और ये रहा डायगनल बी डी, ठीक है, अगर डायगनल बच्चों बाइसेक्ट कर रहे होंगे, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, सपोज ये पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं मान लो अभी, तो ओ ए इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ओ सी आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या होना चाहिए ए सी, और वही ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या होना चाहिए बी सी, बिकॉज बी ओ इज इक्वल्स टू व्हाट ओ डी, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये पैरेललोग्राम का
रूल होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो एक बार आप पॉइंट ए और सी की हेल्प से मिड पॉइंट निकालिए ओ, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ध्यान चेक करिए बच्चों, हमने क्या निकाला यहाँ सॉल्यूशन में, हमने निकाला मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट निकालिए, कैसे निकालोगे बताओ, देखो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बोलिए बच्चों, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू यानी कि फोर प्लस फाइव बाय टू ओकामा वाई वन प्लस वाई टू बाय टू यानी कि थ्री और प्लस माइनस सिक्स बाय टू, कोई डाउट है भाई, ये हो गया एक्स वन वाई वन और ये हो गया क्या आपका एक्स टू वाई टू, क्या किया मैंने बताओ, और पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स कॉमा वाई अज्यूम किया है, तो एक्स कॉर्डिनेट कैसे दिया जाएगा, ये रहा एक्स कॉर्डिनेट और ये रहा वाई कॉर्डिनेट, एक्स कॉर्डिनेट कैसे दिया जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू से, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू से ओकामा वाई कॉर्डिनेट, पॉइंट होगा वाई कॉर्डिनेट वाई वन प्लस वाई टू बाई टू यानी कि थ्री प्लस माइनस सिक्स बाई टू, सॉल्व करते हैं। हाँ भाई बताइए 4 प्लस फाइव कितना होता है बच्चों 9, तो ये हो जाएगा 9 बाई टू और कॉमा 3 और ध्यान दें प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस सिक्स बाई टू सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9 बाई टू और कॉमा 3 माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस थ्री बाई टू, तो ये पॉइंट हो गए कोऑर्डिनेट आ गए सही है। अब हम बी डी का मिड पॉइंट निकालते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ हमने निकाला क्या मिड पॉइंट ऑफ डायगनल बी डी, ऑफ डायगनल बी डी वो तो दिख रहा होगा मैंने लिखा नहीं है, डायगनल ए सी और डायगनल बी डी कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालिए, ये हो जाएगा आपका इस टाइम एक्स वन वाई वन और ये हो गया आपका क्या एक्स टू वाई टू, क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, एक्स वन कितना है स्टूडेंट सिक्स और प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स टू कितना आपका माइनस थ्री, तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, वाई वन कितना है फोर और वाई टू कितना है फाइव, तो फोर और प्लस फाइव बाई टू सॉल्व करते हैं, ध्यान दें सिक्स प्लस माइनस माइनस सिक्स माइनस थ्री बाई टू और फोर प्लस फाइव ये हो गया आपका नाइन बाई टू इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस थ्री कितना होता है थ्री, थ्री बाई टू और कॉमा नाइन बाई टू, ओके ये अब एक बार बताओ बच्चों नाइन बाई टू कॉमा माइनस थ्री बाई टू एंड थ्री बाई टू कॉमा माइनस नाइन बाई कॉमा नाइन बाई टू, क्या ये सेम पॉइंट है, नहीं, दो पॉइंट सेम पॉइंट तब होते हैं जब दोनों के एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट मैच कर रहे हो और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट मैच कर रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट भी नहीं मैच कर रहा, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ नाइन बाई टू है और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट थ्री बाई टू है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट माइनस थ्री बाई टू है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट नाइन बाई टू है, इसका मतलब क्या, सुनो 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 बच्चों ध्यान से, इसका मतलब ए सी का जो मिड पॉइंट था, ए सी का जो मिड पॉइंट था वो ये था, वो कुछ और होगा, वो कुछ और होगा, ए सी का मिड पॉइंट कुछ और है, ओके, तो कुछ ये सिचुएशन आएगी ऐसे, कोई होगा क्वाड्रिलेटरल हमें नहीं पता, पता नहीं कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, ये ऐसा, तो एसी का मिड पॉइंट पता लगा यहां कहीं है, ये कैसा बना है थोड़ा सा ना ये, चलो आओ ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक, तो एसी का मिड पॉइंट पता लगा यहां हुआ, ठीक, और ये गया बीडी, ये गया आपका बीडी, ठीक, और बीडी का मिड पॉइंट पता लगा यहां हुआ, तो मिड पॉइंट दोनों डायगनल के कोइंसाइड नहीं कर रहे, कोइंसाइड मतलब एक ही पोजीशन पे नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसलिए दोनों डायगनल बाइसेक्ट नहीं करते हैं, और डायगनल अगर बाइसेक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब व्हाट, इसका मतलब द गिवन वर्टिसेस आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, और इन्होंने हमसे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा था हम उसी हिसाब से आंसर करते हैं, इन्होंने हमसे क्या पूछा था ट्रू एंड फॉल्स, है ना, तो ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों फॉल्स, और रीजन क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, रीजन क्या लिखेंगे बताइए, सिंस द डायगनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, सभी बच्चे कॉपी में लिखें रीजन क्या लिखेंगे, सिंस द डायगनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, कर लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, अ सर्कल विद इट सेंटर एट द ओरिजिन, सभी बच्चे बताएं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0 जहां एक्स और वाई एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स और वाई एक्सेस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई सॉरी हाँ एक्स और वाई एक्सेस जहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों ये एक सर्कल है और सर्कल का ओरिजिन सॉरी सर्कल का सेंटर कहाँ है ओरिजिन पे, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा ओरिजिन होगा, ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0,0, सपोज इस पॉइंट का नाम ओ है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच लाइज एट ओरिजिन, ठीक है, तो ये 0,0 हो गए कोऑर्डिनेट, एंड द पॉइंट पी 5,0 लाइज ऑन इट, मतलब इसका क्या मतलब बच्चों पॉइंट पी लाइज ऑन इट का मतलब है कि ये जो पॉइंट पी है ये सर्कल की बाउंड्री पे आता है, ये सर्कल की बाउंड्री पे आता है, ओके, तो ओके ये रीजन मैं आपको बाद में लिखाऊंगा छोड़ो, ठीक है, तो ये कहां आता है सर्कल की बाउंड्री पे, तो ये देखिए 5,0 लाइज ऑन इट, मतलब ये जो 5,0 है पॉइंट पी ये सर्कल पे
लाई करता है, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हो गया आपका पी। अब ओ को पी से अगर ज्वाइन कर दो, आगे क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, उसको छोड़ो, ओ से पी को ज्वाइन कर दो बच्चों, ओपी निकाल लो, ओपी ही तो रेडियस होगा, यही तो रेडियस होगा ना, तो रेडियस हमने निकाला, तो रेडियस आप निकालिए, रेडियस क्या हो जाएगा आपका, ओपी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें बच्चों ये देखिए दो पॉइंट दिए हुए हैं और दोनों पॉइंट में से जब एक पॉइंट ओरिजिन हो जाता है तो ओरिजिन से डिस्टेंस हम सीधे निकाल देते हैं, क्या इसको एक्स और वाई लेके, याद है अगर आपको वैसे करना हो वैसे कर लो, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू करके आपका आएगा ये, हम सीधे निकालते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वॉट, वेयर एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सर्कल का सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, और सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होगी वही तो रेडियस होगी, तो ओपी इज गिवन बाय वॉट, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 25 प्लस 0 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5 यूनिट्स, तो मुझे ये बताइए बच्चों ये रेडियस का लेंथ कितना है 5 यूनिट्स। अब ये जो पॉइंट है आपका कौन सा, आगे पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है कि द पॉइंट क्यू 6.8 लाइज आउटसाइड द सर्कल, क्या ये 6.8 आउटसाइड द सर्कल है या इनसाइड द सर्कल, मुझे नहीं पता अभी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखो बच्चों, अगर मान लो पॉइंट क्यू अंदर होगा सर्कल के इंटीरियर में होगा, ठीक, अगर पॉइंट केस नंबर वन अगर सर्कल के इंटीरियर में होगा पॉइंट क्यू, तो ये जो ओ क्यू निकालेंगे हम, ओ क्यू ये लेस देन आ जाएगा किससे, रेडियस ओपी से, चेक करो ओ क्यू का जो डिस्टेंस है वो लेस देन आ जाएगा ओपी के, तो ये पॉइंट कहां होगा, इंटीरियर में सर्कल के इंटीरियर में, ठीक है, और ये केस नंबर वन। केस नंबर टू, अगर ये पॉइंट क्यू आउटसाइड है कहीं पे, तो आप ओ का अगर क्यू से डिस्टेंस निकालोगे, पॉइंट ओ का अगर आप क्यू से डिस्टेंस निकालोगे ओ क्यू, तो ये ओ क्यू आएगा ग्रेटर देन किससे, ग्रेटर देन रेडियस से, यानी कि ग्रेटर देन ओपी से, ठीक, तो पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड। और थर्ड केस स्टूडेंट्स, ये सेकेंड केस था, और थर्ड केस अगर पॉइंट आपका कहाँ आ गया, सर्कल पे आ गया, मतलब ये पॉइंट क्यू कहाँ लाई करता है, सर्कल पे लाई करता है, ठीक है, तो ये थर्ड केस है मान लीजिए, तो इस केस में जो ओ क्यू होगा वही रेडियस होगा, यानी कि ओ क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ओपी, तो थर्ड केस में ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, और क्यू लाइज ऑन व्हाट, क्यू लाइज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ये बात हम आपको सैंपल प्रॉब्लम में बता चुके हैं, तो चलिए ओ क्यू निकालिए, ओ क्यू तो ओ क्यू बहुत ईजिली निकलेगा बच्चों, ध्यान से करिए, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, अब पॉइंट क्यू बाहर है अंदर है कि बाउंड्री में, तो हमको नहीं पता, लेकिन क्यू के कोऑर्डिनेट पता है, तो सपोज कहीं पे भी है पॉइंट क्यू, हमें नहीं पता अभी कहाँ, ठीक है, तो ये हो गया एक्स कॉमा वाई, और ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हो किसकी, पॉइंट क्यू की, यानी कि 6.8 की डिस्टेंस कहाँ, 0.0 से, तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 6 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है, अगर आपको इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान के करना हो तब भी आप कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर बच्चों 36 और 8 स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 10 यूनिट्स। अब आपने क्या देखा बच्चों, OQ जो है वो ग्रेटर हो गया किससे, ओपी से, ओपी क्या था आपका रेडियस, ध्यान से करो ओपी था रेडियस, और OQ जो हो गया वो 10 यूनिट हो गया, तो पक्का सर्कल के बाहर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं, तो हेयर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, द पॉइंट क्यू 6.8 लाइज ऑन द सर्कल, तो आंसर इज द स्टेटमेंट इज ट्रू, वॉट इज द रीजन ट्रू, बिकॉज सबसे पहले हम बताएंगे कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितना निकाला था हमने, रेडियस ऑफ द सर्कल ओपी कितना निकाला था 5 यूनिट्स, एंड वॉट ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, बात समझ में कि नहीं, तो ये रीजन आप दोगे। अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए आंसर आ गया हमारा कोई बात नहीं, लेकिन लेट अस अज्यूम कि ओ क्यू अगर हमारा सॉल्व करते करते, मान लो बच्चों ओ क्यू अगर हमारा सॉल्व करते करते कितना आ गया होता, ओ क्यू अगर हमारा सॉल्व करते करते 5 यूनिट्स ही आ गया होता ओ क्यू, तो हम यहाँ ट्रू लिखते कि फॉल्स लिखते, बताइए, तब हम यहाँ ट्रू लिखते कि फॉल्स लिखते, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ जाता, सर्कल की बाउंड्री पे आ जाता ना उस टाइम, है ना, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करता कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्री पे, तो आउटसाइड थोड़ी ना होता, ठीक है, बासन में कि नहीं। इसी तरीके से अगर ओ क्यू हमारा 4.2 आ जाता मान लो 5 से लेस, तब भी हम फॉल्स लिखते, हो गए, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें, जो कमेंट मैंने पेन किया वहां पे पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।